यार, I'm so sorry, वो नेट बहुत खराब चल रहा है मेरा। हाय शुभांगी, हाय मिम्मी, व्हाट्स अप? करू, मेरा नेट बहुत खराब चल रहा है यार। मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ पुणे, और एट दैट क्यूटी वो रिक्वेस्ट आया, तब तो रिक्वेस्ट नहीं आई उसकी अभी, पता नहीं वो कौन सी आई डी थी। प्रणाम भैया, गुड मॉर्निंग। हाय डिंपल, और कहाँ निकल रहे हैं गाड़ी से अभी सुबह सुबह? मैं जा रहा हूँ पुणे। अच्छा, ये देखो, टेक मी अलोंग, यू कम, यू आर कमिंग ना मिमी? हाँ, यू आर डूइंग वीडियो शूट। ये भी देख रहा है। कौन है ये बेटा? अच्छा, यही तो है ना लायक, सब बिगाड़ के रख दे रहा, उठा उठा के पटक पटक के। अच्छा, और भैया नेक्स्ट नेक्स्ट कब तक आने वाला है? नहीं नहीं नेक्स्ट कुछ भी नहीं आने वाला, बस हो गया, एक बार ही बनाया था बस। वो नहीं, नेक्स्ट कुछ न्यू ईयर का कुछ होता तो फिर और मजा आता ना। नेक्स्ट अभी बस, अभी कुछ नहीं यार, हो गया बस, एक बार किया जा, अपने को ये भी करना है, वो तो बस बना दिया यार। अभी अपना ऐसा है ना कि हम किसी के साथ अगर रहते हैं और उस इंसान को कोई लेटडाउन करता है, उस इंसान के कुछ खराब बोलता है कोई, तो मेरे अंदर ऐसा है कि मैं सुन नहीं पाता हूँ, और पवन भैया नहीं तो ये जुड़ा हुआ हूँ और उनके लिए ये बहुत ये बहुत गलत मैसेज जो स्प्रेड करा है ना बिना काम के वाहियात, कुछ लोग वो बहुत गलत किए, उनको नहीं करना चाहिए था। जाने के छोड़, लगेट भी कोई बात नहीं, जो होता है ऐसे के लिए होता है। आरितिका, सब बोलते हैं, डिंपल मैम भी देख रही है क्या लाइव पे? आगे बढ़ जाए, और सब बढ़ते रहते हैं। ओ डिंपल मैम, बढ़ना बढ़े। डिंपल मैम लाइव देख रही है, क्या बोल रहे हो? डिंपल मैम भी लाइव पे देख रही हैं, देख लीजिए। डिंपल अगर रिक्वेस्ट भेज रही तो भेज दे, ऐड करता हूँ, लोग बोल रहे हैं तुमको ऐड करने के लिए। डिंपल मैम रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट प्लीज। हाँ जी हाँ जी, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, मैं अगर किसी से एक्सेप्ट कर, किसी को दूसरे का एक्सेप्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं अभी पहुंचने ही वाला हूँ, ठीक है? इसको कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं? डिस्कनेक्ट कुछ नहीं करते, ऊपर वाला लाइन के जो बगल में है ना, वो मल्टीपल वाला साइन, उसी को कट कर दो आप। ये वाला, ये जो चल रहा है अपना कॉन्वर्सेशन, वो कैसे डिस्कनेक्ट होगा? वो मैं कर लेता हूँ ना, मैं कर लेता हूँ डिस्कनेक्ट, मैं कर लेता हूँ। ओके, हैप्पी जर्नी भाई। हाँ थैंक यू भाई, लव यू भाभी। कौन भाभी? मैं तुझे लड़की दिखता हूँ? डिंपल तो गायब ही हो गई, दो तीन लोगों ने बोल दिया डिंपल को ऐड कर लो, डिंपल जी को ऐड कीजिए, डिंपल जी को ऐड कीजिए, डिंपल जी, ओ डिंपल जी। और मैं एक लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, कोई किसी को गाली मत दो, मेरे पोस्ट पे मत दो गाली, लेट इट बी, जाने दो, जो मुझे दे रहा गाली ना देने दो, कोई बात नहीं। किसी के एक बात बताओ, अगर आपने मुझे एक सामान दिया, अगर मैंने वो नहीं लिया और वो आपके पास ही रह गया, तो वो किसके पास है? आप ही के पास है ना, तो वो आप ही हो गए ना। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा, आपको नहीं बोल रहा था, मैं जो गाली दे रहे उनको बोल रहा था। तो जस्ट लेट इट बी, जो भी कर रहा है गाली मुझे दे रहा है उनको देने दो। अगर कोई गाली दे रहा है आप उनको एक हार्ट की स्माइली सेंड कर दो, या फिर एक किस की स्माइली सेंड कर दो, बस। डिंपल ऐड करूं क्या? मुझे नहीं पता कैसे ऐड करते हैं। अगर फ्री है तो बता देना,
तू रिक्वेस्ट भेज दे। अरे भैया डिंपल जी रेडी होने लग गई होंगी यार। कैसे ऐड करूं? एक मिनट रुक जा। हेलो हेलो, एक सेकंड। अच्छा बॉटल दिखाना है क्या? नहीं रे, आ रही हूँ क्या मैं? वो किसी ने कहा है नीरज कैसा है, किसी ने कमेंट किया है कि डिंपल जी वो रेडी होने लगी, मेकअप करने लगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रेडी बडी नहीं, मैं रेडी होके ही बैठी हूँ। कल का थोड़ा सा शॉट बाकी है ना। तुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तुझे ये बोलना चाहिए था कि रेडी होने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वैसे ही रेडी हो जाती हूँ। मैचिंग मैचिंग पहने देखना। मैं बोलने जा रहा था कि मेरे को देख के क्यों कॉपी किया, मैचिंग मैचिंग पहने तो मेरे को देख के कॉपी किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सुनना, मेरे पे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे विशाल कि मुझे बोलना पड़ गया कल लाइव आके कि अरे मैं अपनी जिंदगी में इतनी गाली नहीं सुना था जितना इस बार सुना चार पांच दिन में। पर क्यों हमें क्यों यार, जिसका जो है उससे बोलना। वो तुम्हें क्यों ले रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे दे रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। मैं वेट कोई आया है? वेट ना मैं तो इसका हकदार हूँ इस गाली का। हाँ लेकिन तुम्हें क्यों दे रहे मुझे नहीं पता। नहीं अभी और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं बिजी रहता हूँ। अगर किसी के अंदर दम है तो सामने आके गाली देके दिखाए। ये देख लो तो क्या बोल दिया यार, आज सलमान खान शाहरुख खान इतने आगे बढ़ चुके हैं, उनके पीठ पीछे कितने लोग बोलते हैं, किसी के अंदर दम है कि जाके सामने जाके बोल के दिखा दे। लोकेशन देखना। वाओ तू नेपाल में है ना, नाइस। हाँ अभी हो रहा है, शूट हो रहा है अभी इधर बाहर। मैं वही कह रहा था कि किसी के अंदर दम है क्या, कोई सामने आके गाली दे दे, सब पीठ पीछे ही बोलते हैं। मेरा नेट गया कि उसका नेट गया? तेरा गया था। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, देख कोई गाली दे चाहे जो बोलना है बोले ना। देख ना हिम्मत होना चाहिए तो सामने से बात करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो और अपने में ये हो रहा है, और हमें क्यों दे रहा, हमारा क्या लेना देना है भाई। नहीं लेकिन कोई अगर दे रहा अभी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे हेटर्स बनते हैं तो लगता है और दो, आओ आओ गाली दो, दो भी गाली। अच्छे वे में ना सही, खराब वे में ही अपन बढ़े आगे। आज तक जब तक खेसारी खुद को हर मीडिया पर नंबर वन बताता तो सब कुछ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पवन सिंह सबसे हाय विशाल, हाय हाय। तू कहाँ है, तू नेपाल में है ना? हाँ। कब आ रही मुंबई वापस? आज शाम को या सुबह निकल रहे सारे लोग साथ में, सब लोग। हाँ हाँ सब लोग, सब लोग। जियो भैया। यस तेरा नेटवर्क तेरे से मुझे समझ में नहीं आया, तेरे से क्यों, तू तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में, तेरे पे क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? वही तो, मैं तो कहीं नहीं, मतलब मैं खड़ी हूँ ना स्टेज पे उसके लिए भी कि आप क्यों खड़ी। अरे भाई मैं कुछ बोली नहीं हूँ ना, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोली हूँ ना। तेरे को चेयर लेके बैठ जाना चाहिए था। अरे हम प्रोग्राम करने, हम काम करने गए, हमें क्या मतलब कौन क्या किसको कैसे बोल रहा है भाई, हमें बीच में टपकना नहीं आता है। हेलो पावर स्टार, लोगों का पर्सनल मामला है। मैं पावर स्टार नहीं हूँ, पावर स्टार भैया है। किसारी का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ओके थैंक यू। सुनो ना, कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं पाता, किसारी जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, सब अपने अपने जगह अच्छा, कोई किसी का नहीं उखाड़ता भाई, अपने में क्यों लड़ते हो? अब आगे जो कर सको कर लो। अबे तू मेरे को लाइव लेके ना बोला कर। क्या डरती, क्या डरती, किस बात से, किससे डरती है?
किसी से नहीं डरती हूँ मैं, लेकिन आर्टिस्ट तो फिर ना, आर्टिस्ट का कुछ वो नहीं है, बटा हुआ नहीं है, हम सब एक हैं। हाँ सब एक हैं। पवन जी खेसारी जी भी एक हैं, कोई अलग नहीं है, सब दोनों भाई हैं। नहीं घंटा भाई है, चल मैंने नहीं मानना इस बात पे। मारेंगे ना तुमको। जो बात सच है मैं सच बोलता हूँ, भाई नहीं है तो नहीं है, क्यों भाई है? भाई ऐसे बोलता है, भाई आकर के लाइफ में आके किसी की बेइज्जती करता है, हो जाता है। बड़प्पन उसको बोलते हैं, बड़प्पन उसको बोलते हैं जो पवन भैया ने किया। सुनना, और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, मेढक जो है, मेढक मेडिका है, जो बिना मतलब का घुसना, बिना मतलब कंट्रोवर्सी में आना, जो नहीं भी है मुद्दा उसमें भी आके बोलना कि भैया हम कंट्रोवर्सी में आए। सही बात है, वो बीच में घुसते हैं, वो बिना मतलब का। क्यों क्यों घुस रहे हो? इन दोनों का मामला है ना, अपना सब कहेंगे। आप तीसरा कौन होते हो घुसने वाले? ज्यादा गर्मी चढ़ गई है तो आमने सामने बात करो ना, ऐसे लाइव पट्टा से। एक तो भोजपुरी को इतना लोग वो कर दिए ना, भोजपुरी बहुत अच्छा है, इसमें के लोग बड़े गंदे हैं, जो आके पट्टे से लाइव किसी बात पे फट से लाइव। हां भाई क्यों लाइव आना? सही बोल रही, किस लिए लाइव आना? सामने सामने बात करना, मेरे को ये सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। तूने भी देखा होगा हम लोग कितने दिन से इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, मैं आज तक कभी लाइव वाइव नहीं आया, और ना ही मैंने कभी किसी के ऊपर ऐसी वीडियो बनाई है। मुझे एक्चुअली बुरा लगा था, मुझे कुछ मतलब मुझे हर्ट हुआ था, तो मैंने बनाया, और मैंने बनाने से पहले बोल दिया था कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे सब्सक्राइब करने की, मुझे फॉलो करने की, जब वीडियो डालूं देख लेना बस। तो मैंने बस यही था। और रही बात ऐसे मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं था, मैं तो प्यार से बात किया था, बहुत प्यार से सहला के। सुनना, मेंटालिटी इतनी गंदी है ना लोगों की कि कुछ बता नहीं सकते हम लोग, बोल नहीं सकते कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। मेरे को डीएम से स्टार्टिंग में कुछ आया तो मैंने पढ़ा था रिक्वेस्ट में जाके, अब तो पढ़ता भी नहीं हूँ। मेरे शेयर लोग काफी हैं रिप्लाई देने के लिए, बट उन लोगों को भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कोई भी कुछ भी गाली दे रहा है ना, एक किस की स्माइली सेंड कर दो, वो उसी में चल जाएगा, उसकी आदि चल जाएगी। अरे साला मेरे को इग्नोर कर दिया। नेट किसका गया, कोई मैसेज नीचे कमेंट करके बता दो। राज मेरा नेट गया है कि उसका नेट गया है? डिंपल सिंह लाइव में ऐसा नहीं बुलाता कोई। डिंपल का नेट गया ना? हाँ फिर ठीक है। नहीं नहीं डिंपल ने कुछ भी नहीं बोला, जो बोला हूँ मैं बोला हूँ, उससे क्या मतलब, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, मैं बोलूंगा, जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको अच्छा लगता है लगे, जिसको बुरा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसको दिल से थैंक यू, और जैसा पहले बताया था जिसको बुरा लग रहा है मुआ। बहुत अच्छी बात है, आप अगर खेसारी के फैन है तो, हम नहीं है, हम बस ये बताना चाहते हैं। प्रियांशु मिश्रा प्रिंस ले लिया नाम। रिक्वेस्ट बोल के क्या उखाड़ा। I will tell you, नीचे सबको पता है, जो जो देख रहा है, जो जो वीडियो देखा है, एक सीधी सी बात है, मेरा वीडियो देख के जिस जिस की जली है, इसका मतलब कि मैंने उखाड़ा है। जियो विशाल भाई, जियो शिल्पा रानी, शिल्पी राज फैन, अच्छा ओके,
पवन सिंह किंग, यस योर डिंपल। वो कोई आके बोलता है कि डिंपल गलत बात ऐसे नहीं बुलवाते, तो डिंपल ने थोड़ी बुलवाया मुझे। डिंपल देखो चाबी भर रही थी क्या, डिंपल तो बोल रही थी कैसा नहीं बोलते हैं। मैं तो किसी भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं बोलूंगा। आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तो ऊपर भी क्रॉस का बटन होगा या फिर ऐसे स्लाइड कर दो, वो लाइव बंद हो जाएगा। बट मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ यार, आज तो कितने अच्छे से हो, कितने प्यार से हो। उस दिन भी ऐसी गाड़ी में बैठा था ना, उस दिन भी ऐसे ही दुख हुआ था ना जिसने जिसने देखा था नहीं, सब अपने आप में कुछ ना कुछ है, ऐसे नहीं है कि कोई किसी के आगे ये है, कोई किसी के आगे वो है। लेकिन हाँ, कंपेयर करोगे अगर किसी से तो फिर तो सच आएगा सामने। वैसे अच्छी बात है, उनकी भी फैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छी बात है, रहे फैन रखें। लेकिन शायद कुछ लोग भूल चुके हैं, और अगर ये जो लाइव बैठ जो मुझे देख रहे हैं उनके फैंस या भैया के फैंस जो भी हैं, एक बात बताना चाहूंगा, जब खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री में नहीं आए थे तो एक साल तक भैया के पीछे पीछे घूमे थे बॉम्बे में कि एक बार दर्शन हो जाए, एक बार मिल लूं तो अपना करियर शुरू कर पाऊं। एक साल तक, एक साल के बाद जब मिले तो उनका पैर छुए, उनको पिताजी बोले, ठीक है। और आज के डेट में अगर कोई लाइव आकर के उसी इंसान को फालतू बोलता है, तो जो इंसान कैमरे पे आके किसी को पिताजी बोल रहा है और दो तीन साल के बाद उसको अपशब्द बोल रहा है, वो क्या ही किसी का होगा। वो तो कल को अपने घर पे जो जो उसके रियल पिताजी हैं वो उनके लिए भी, उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। तो अगर किसी को गुरु मान रहे हो, अगर किसी को बाप मान रहे हो ना, तो माना करो, फिर मरते दम तक वैसे ही रहो। ऐसे थोड़ी होता है कि तुमने आज बोल दिया कि ये पवन सिंह बाद में है, ये तो हमारे पिताजी हैं, और बाद में तुम उनके लिए गंदा बोल रहे हो, तो फिर तो भाई तो इसीलिए अगर आप किसी लेवल पे पहुंच चुके हो और आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग मानते हैं, तो कुछ अगर बोल रहे हो ना, तो अपना अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखो। आप बिना मतलब का 27 मिनट का लाइव आकर के थैंक्स भैया नाम लेने के लिए, अरे यू मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं मैं किंग नहीं हूं, गाली नहीं, मेरे मेरे साइड वाले प्लीज कोई गाली मत दो किसी को भी यार, कोई गाली मत दो, मत दो गाली, रहने दो, लेट इट बी, जाने दीजिए, मत दो गाली प्लीज, कोई किसी को गाली मत दो। पता सबको है यहाँ पे कि कौन दौड़ सकता है, कौन अखाड़े में जीत सकता है। कौन किसका बाप है, और जब बेटे को ही पता है कि बाप कौन है, उसके मुंह से बोला गया है, तो इस पे लड़ाई क्यों करना है, इस पे तो बहस बनती नहीं है। किसी का भी सॉन्ग आ रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि तुम हर बार कंट्रोवर्सी करके या किसी को गलत बोल करके, वो भी पापा को गलत बोल करके, तुम अपने गाने को प्रमोट कर दोगे। गलत एकदम नहीं, ऐसा करने का ही नहीं।
नहीं ऐसा सारी गंदा ऐसा मत बोलो, कोई मत बोलो यार, क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप लोग को मना कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग मत बोलो, मैं लाइव बंद कर दूंगा, उनको बोलने दीजिए आप ना, अगर कोई गाली देता है, अगर आप नहीं ले रहे हो तो उसके पास ही रह जाता है. So just saying to you, back to you, no return. जो दे रहा है गाली उसको देने दीजिए, जो खुश है उसे खुश रहने दीजिए, जो लाइव आके खुश है उसको लाइव आके खुश रहने दीजिए. अपन अभी चलेगा, अपन अभी जाएगा, क्योंकि अपन अभी पहुंचने वाला है. पवन सिंह है, खेसारी लाल का बाप है. ऐसा मत बोलो, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है ऐसे 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 कमेंट्स, मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ दूंगा, बट इट्स ओके, इट्स ओके ब्रो, जस्ट इग्नोर. पवन सिंह की नो भोजपुरी, यस पवन सिंह ब्रांड है और रहेंगे. जी हाँ, चलो ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, फैंस, लव यू, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट. बहुत लंबा सफर हमारा बहुत ही आराम से कट गया. जिसका इसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी यार, अभी भी पड़ा हुआ है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि ये अभी मतलब अभी अच्छा अपनी अभी चल रहा है ये रिक्वेस्ट. ओके, काजल सिंह राजपूत, बाय सर, एक बार नाम ले लीजिए प्लीज सर, एक मिनट, कहाँ गया, नाम ही चला गया ऊपर. Lost Boy Journey 05. बाप बाप होता है. पवन का एक डायलॉग है ना, मुझे ये याद आ गया, पवन सिंह नाम है बेटा. मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है. चलो बाय.